हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल की खीर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं चावल की खीर। चावल की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब हम दूध को तेज आँच पर लगातार चलाते हुए उबाल आने तक पकाएंगे। इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की आंच को मीडियम रखेंगे और चावल डालेंगे। यहाँ पर हमने 2 मुट्ठी चावल ली है, टुकड़ा चावल है। चावल को हमने 30 मिनट पहले भिगोकर रख लिया था। चावल डालेंगे, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हम हर 5-10 मिनट के बीच में दूध को चलाते रहेंगे। देखिए, इसी तरह से हर 5-10 मिनट के बीच में हम चलाते रहेंगे। दूध को बीच बीच में चलाते हुए हमने गाढ़ा होने तक पका लिया है। आप देख सकते हैं, दूध आधा हो गया है और चावल भी अच्छे से पक गया है। अब हम यहाँ पर गैस की आँच को बिल्कुल धीमी रखेंगे और चीनी डालेंगे। आधा कप हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर हमने काजू, बादाम, पिस्ता को दरदरा पीस लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और 5 मिनट पकाएंगे। चीनी, ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमने इसे और 5 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं हमारी खीर कितनी अच्छी और कितनी गाढ़ी बनी है। अब हम गैस को बंद करेंगे। ठंडा होने के बाद खीर और भी गाढ़ी हो जाएगी। लीजिए दोस्तों, चावल की खीर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितनी गाढ़ी खीर बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।